नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 22 तारीख 22 मार्च यानी कि आप होली से बिल्कुल फ्री ही हुए होंगे। तो आज आपके लिए एक और लाइव सेशन हम लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे 10 क्वेश्चंस की। आज एक्चुअली था क्या कि थोड़ा सा आप लोगों को कॉपअप करना पड़ेगा। कॉपअप किस तरह से करना पड़ेगा, किस तरह से साथ देना पड़ेगा हमारा। आज के क्वेश्चंस हम हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते क्योंकि आज हमारी जो टीम है जो हिंदी में ट्रांसलेट करती है वो भी आपकी तरह छुट्टी पर गई हुई है, जिस तरह से आप छुट्टियाँ मना रहे हैं। मगर स्टिल हमारा काम है आपको वीडियो प्रोवाइड कराना, चाहे कैसे भी कराएं भैया, है ना, आप लोगों को पढ़ाना। सो गाइज, तो यहाँ पर एक कल इंटरव्यू भी आने वाला है जो कि मेरा इंटरव्यू होगा संदीप सर के साथ, ठीक है। तो उसमें हम बेसिकली बात करेंगे कि मैंने किस तरह से एचटेट निकाला, जो अभी रिजल्ट आया है एचटेट का, तो वो किस तरह से, क्या स्ट्रेटजी रही, क्या स्टडी प्लान रहा, उसके बारे में हम बात करेंगे। और सभी को जुड़ना है वहाँ पर समझने के लिए अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम बात करें तो क्वेश्चन लगा देते हैं, पहला क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करते हैं। और बताइए सब कुछ, सब बढ़िया, एकदम मस्त, फर्स्ट क्लास, एकदम गजब, वेरी गुड। जैसे कि मैं यहाँ पर कमेंट देख पा रहा हूँ, बहुत अच्छे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मतलब हमें यहाँ पर जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं उन्हें कंसीडर करना है, तो उनके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। सो अ गुड मैथड शुड प्रोवाइड स्कोप फॉर अ क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ चाइल्ड्स इंडिविजुअलिटी। राइट, हिंदी में कन्वर्ट करते रहूँगा, कोई भी भड़केगा नहीं इस बीच में, ठीक है। सो ए गुड मीडियम शुड प्रोवाइड स्कोप फॉर द क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ चाइल्ड्स इंडिविजुअलिटी। सेकेंड इज अ गुड मेथड शुड अराउज अ लार्ज रेंज ऑफ इंटरेस्ट इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। एंड द थर्ड इज अ गुड मेथड शुड शिफ्ट एम्फेसिस ऑफ लर्निंग टू वर्बलिज्म, राइट, और मेमोराइजेशन। तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत छोटी सी आती है, कहता है कि अगर आप कोई भी गुड मेथड है तो वो कहाँ रहना चाहिए, किसे आप गुड मेथड कहेंगे। देखिए पहला जो ऑप्शन है वो कहता है जब हम क्रिएटिविटी का स्कोप दें, दूसरा है जब हम लार्ज रेंज दें, इंटरेस्ट की लार्ज रेंज दें, है ना। तो देखिए दोनों चीज़ें अच्छी हैं, कोई बेकार चीज़ थोड़ी है। मगर तीसरा कहता है कि हमें बच्चे को मेमोराइजेशन को लेके जाना है कि उसे याददाश्त रहे, चीज़ें याद है, यानी एक रट्टूपंथी इंसान उसे बना देता है, जो कि मेरे ख्याल से तो सही नहीं है। राइट, नाउ लेट्स हैव अ लुक। बिल्कुल सही बात मैंने बताई आप लोगों को। तो यहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो गुड इंटरेस्ट और अ गुड मेथड शुड बी अराउज टू मेक अ लार्ज रेंज ऑफ इंटरेस्ट इन द माइंड्स ऑफ अ स्टूडेंट। सो फाइनली अगर आपके स्टूडेंट्स हैं तो आप उन्हें भैया कुछ इस तरह से पढ़ाएंगे जिससे उनका इंटरेस्ट जगे और उनके पास एक लंबा स्कोप हो। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। पहला ऑप्शन है टू मेक द सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग एंड लिविंग द टीचर शुड बी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड डिवाइसेस एंड टेक्निक। मतलब अगर वो किसी भी क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना चाहता है तो उसे बहुत तरीके के मेथड को परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन करके निकालने होंगे ताकि वो अच्छे से बना सके। अगली चीज आती है टू क्रिएट एंड मेंटेन द इंटरेस्ट एंड अवॉइड मोनोटोनी। चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज टू वेरिड एक्सपीरियंसेस। राइट, अगर मतलब मान के चलिए उसे इंटरेस्ट जगाना है तो उसे मोनोटोनी, मतलब अगर एक तरीके की वो सोच है उसे हटा कर उसके अंदर अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस देने होंगे। टू मेक चिल्ड्रन मोर इफेक्टिव एंड टीचर में यूज लेक्चर और डिस्कशन मैथड और अ कम्बिनेशन ऑफ टू। अगर किसी लेक्चर को अच्छा बनाना चाहता है तो टीचर डिस्कशन और लेक्चर दोनों को ऐड कर सकता है वहाँ पर, जो कि एक अच्छी बात है। ई सिंगल मेथड कैन बी बेस्ट फॉर ऑल सिचुएशंस फॉर ऑल टीचर्स एंड पीपल्स। सो ही इज सेइंग कि अगर एक मेथड है तो वो सभी के लिए सही होने वाला है, जो कि गलत चीज़ है। हमें हर एक इंसान के अनुसार, एक आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी, दैट इज़ इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, राइट, फिर IEP अगर हम हिंदी में बात करें तो उसमें होता क्या है, देखिए इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान भी उसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि हम एक इंडिविजुअल को पकड़ते हैं, एक इंडिविजुअल बच्चे को लेते हैं और उस पर देखते हैं कि उसे क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, उसका पूरा बायोडाटा लिखते हैं, पूरा का पूरा एक अच्छे से और उसे एक पोर्टफोलियो बनाते हैं उसका, ताकि हमें पता चल सके किस पेस से चल रहा है बच्चा, किस स्पीड से चल रहा है। और अगर हम एक मेथड को देखें तो वो बिल्कुल भी हर एक बच्चे पर एप्लीकेबल नहीं हो सकता। किसी बच्चे को साइंस में कमजोरी होती है, किसी बच्चे को SST में। सो आप साइंस वाला मेथड पढ़ाए जा रहे हैं, है ना, तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा सभी के लिए, है ना। एक दो बच्चे को ठीक लगेगा, बाकी सबको अच्छा नहीं लगेगा। सो इस चीज़ को सोल्व करने के लिए ज़रूरी है आप ऐसे कदम उठाएं जो सभी के लिए लाभदायक हो। सो ऑप्शन नंबर डी शुड बी द राइट आंसर, बिकॉज ये सही स्टेटमेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन, हु सैड द असाइनमेंट मेथड इज़ द इम्पोर्टेंट स्टेप इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। ये किसने कहा कि असाइनमेंट जो मेथड है वो इम्पोर्टेंट स्टेप है दोनों चीज़ों के लिए, लर्न के लिए और पढ़ाने के लिए। सो ऑप्शन आर डगलस, डवे,
पियाजे या फिर एस मॉरिस. सो फाइनली यू हैव टू आंसर फ्रॉम दिस. टेक योर टाइम गाइज. ओके, आई होप आपको आंसर मिल चुका होगा इसका. बिल्कुल. सो डगलस, यू हैव टू रिमेंबर कि जो असाइनमेंट के बारे में जो भी बातें कही हैं वो बेसिकली डगलस ने कही हैं. इन्होंने कहा है कि एक इंसान को फाइनली छूट मिलनी चाहिए ताकि वो अपने एक्सप्रेशंस दिखा सके रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक टॉपिक. तो फाइनली डगलस ने ये बात कही कि असाइनमेंट हमें वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो बच्चा क्या सोच रहा है उस टॉपिक के बारे में, राइट. तो अगर आप असाइनमेंट दे रहे हैं तो दैट इज़ गोइंग टू बी डेफिनेटली हेल्प द स्टूडेंट एज वेल. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस इज दैट विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ अ गुड असाइनमेंट. इनमें से कौन से गुड असाइनमेंट की क्वालिटी नहीं है. असाइनमेंट मस्ट बी रेलिवेंट टू द सब्जेक्ट और टू द स्टूडेंट. असाइनमेंट मस्ट बी डेवलप टू द क्रिएटिविटी एंड कैपेबल ऑफ इंडिविजुअल लर्निंग बाई डूइंग. असाइनमेंट मस्ट बी कॉम्प्लेक्स एंड टफ फॉर स्टूडेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ असाइनमेंट मस्ट बी क्लियर एंड डेफिनेट. सो ऑप्शंस की हिंदी में बता देता हूँ आप लोगों कि जो असाइनमेंट्स हैं वो विशिष्ट होने चाहिए, ठीक है. रेलिवेंट होने चाहिए, मतलब जो काम के हों, ठीक है. असाइनमेंट मस्ट बी डेवलप टू क्रिएटिव द कैपेबल ऑफ इंडिविजुअल लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखने से यहाँ पर असाइनमेंट डेवलप होना चाहिए. असाइनमेंट मस्ट बी कॉम्प्लेक्स एंड टफ फॉर स्टूडेंट्स, मतलब असाइनमेंट को टफ बना दो, है ना, इतना बना दो टफ कि वो स्टूडेंट्स के लिए. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द असाइनमेंट मस्ट बी क्लियर एंड डेफिनेट. बिल्कुल सही. तो ऑप्शन नंबर सी आपको नहीं लग रहा होगा जो सही है, क्योंकि टफ हम जरूरी नहीं कि असाइनमेंट टफ बनाएं, इजी भी दे सकते हैं हम उसे. कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा क्यों रखें अपने लाइफ में, है ना. सो अगला क्वेश्चन है आपके लिए विच आर द फॉलोइंग इज द एडवांटेजेस ऑफ असाइनमेंट मेथड. इनमें से कौन सी चीज़ असाइनमेंट मेथड का एडवांटेज है. ऑप्शंस आपके सामने, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी इन सेल्फ लर्निंग फॉर द स्टूडेंट्स. ये सेल्फ लर्निंग के लिए यहाँ पर मदद करता है. बेटर लर्निंग एक्सपीरियंसेस विल बी गेन्ड व्हेन कंबाइंड विद अदर एनवायरमेंटल साइंस टीचिंग मेथड्स. टीचर एक्ट्स एज अ गाइड एंड स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इज इनकरेज एंड ऑल ऑफ द अबव. सो यहाँ पर सभी सही हैं. इनमें से बताइए भैया कौन सा है एडवांटेज पूछा है, ठीक है. पहला चीज़ बिल्कुल सही बात है, सेल्फ लर्निंग सिखाता है, बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस है, टीचर एक्ट्स एज ए गाइड, बिल्कुल सही बात. और ऑप्शन, यानी कि तीनों ही जब सही बात तो चारों ही सही बात हो जाएंगी. ऑप्शन नंबर डी शुड बी द राइट आंसर. गॉट इट. अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्ट कमिंग ऑफ असाइनमेंट मेथड. अभी आंसर देने का आपका पूरा टाइम मैं देता हूँ. आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का बहुत अच्छे से. वेरी गुड, एवरीबडी नीड टू आंसर दिस. कम ऑन गाइज, कम ऑन. को ऑप्शंस को सुनिए ध्यान से. ऑप्शंस की हिंदी बता देता हूँ. इन दिस मेथड स्लो लर्नर्स स्टे बिहाइंड. जो स्लो लर्नर्स हैं वो पीछे रह जाते हैं अगर हम असाइनमेंट की बात करें, क्योंकि वो कॉपी करने का काम करते हैं. इट इज़ द फॉन्ड हार्ड ऑफ फॉर द स्टूडेंट्स हैविंग लिटिल साइंटिफिक एटीट्यूड. और जो साइंटिफिक एटीट्यूड में थोड़ा हार्ड महसूस करते हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है. थर्ड इज द टाइम लिमिट गिवन थ्रेटन्स द स्टूडेंट्स विच मेक द सब स्टैंडर्ड वर्क. जो टाइम लिमिट होती है वो धमकीदायक होती है, एक तरीके से आप कह सकते हैं धमकी भरी होती है बच्चों के लिए, तो ताकि वो शॉर्ट काम शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा काम करके देखें. एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. इनमें से सभी सही हैं, राइट. शॉर्ट कमिंग है मतलब. सो ऑल ऑफ द अबव ही शॉर्ट कमिंग है, क्योंकि पहला भी ठीक है क्योंकि टेंट कॉपी करने की कोशिश करता है, दूसरा हार्ड है, और तीसरा टाइम लिमिट प्रॉब्लमेटिक है. अगला क्वेश्चन, Which state has recently installed EduSite technique in its school? So पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश. सो ऑब्वियसली इसका आंसर आप लोग जानते होंगे, बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है. और एक ही ऐसा स्टेट है जिसके पास ठीक से ठाक पैसा है ना, दैट इज़ हरियाणा. और उन्होंने EduSite यहाँ पर लॉन्च कर दिया है, जिसमें बच्चे को हम टीवी के माध्यम से, है ना, और सैटेलाइट के माध्यम से एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं. आगे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्ट कमिंग्स ऑफ रोल प्ले मेथड. अगर रोल प्ले मेथड की बात करते हैं तो उसमें कौन सी शॉर्ट कमिंग्स हैं, क्या लैक है, क्या कमी है. कैन लैक फोकस अनलेस वेल प्लान्ड. अगर हम अच्छे से प्लान नहीं करते तो फोकस को खो सकता है. इट्स अ मोनोटोनस मेथड, मतलब एक अधिकार वाला मेथड है. इट स्लोज डाउन द लर्निंग प्रोसेस, या लर्निंग प्रोसेस को स्लो करता है. नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर्स. बिल्कुल सही बात है, कैन लैक फोकस अनलेस वेल प्लान्ड. जब तक प्लान नहीं करेंगे ऐसा अच्छे से तो फोकस हो सकता है, बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता. बाकी तो आपकी मन की मर्जी होती है जो आपको करना हो. अगला क्वेश्चन है, दिस मेथड इज लाइक द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन वेयर इन यू कट डाउन अ बिगर कंसेप्ट इन टू स्मॉलर वंस. गॉट इट. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. हमें कुछ कंसिडर स्टेटमेंट्स दे रखी हैं. द नॉलेज अचीव्ड बाई दिस मैथड इज़ परमानेंट. मतलब कोई भी मैथड है जो
आपको नॉलेज देता है वो परमानेंट होती है, तो आपको यहाँ पर बताना है अभी कौन सा मेथड है जो नॉलेज को परमानेंट कर दे, दिमाग में बिठा दे। एंड दिस मेथड इज प्रोसेस ऑफ डिडक्शन वेयर यू कट डाउन द बिगर कॉन्सेप्ट इनटू द स्मॉलर वंस। रिमेंबर गाइस, इट्स अ एनालिसिस मेथड। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज इन विच मैथड स्टूडेंट्स केम फ्रॉम अनोन टू नोन, मतलब अनजान से जानकारी की ओर, एनालिसिस, इंडक्टिव सिंथेसिस या डिडक्टिव। सो गाइज, टेक योर प्रॉपर टाइम। ओके, आई थिंक यू हैव गॉट द आंसर। ओके, देन डिडक्टिव मैथड। रिमेंबर गाइज, इंडक्टिव मैथड में वी गो फ्रॉम नॉन टू अनोन, एंड इन द डिडक्टिव मैथड वी गो फ्रॉम अनोन टू नॉन। सो थैंक यू सो मच गाइज जुड़ने के लिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।